स्वामी जी आपके कौन स्वामी भाई स्वामी गसोला हम तुम्हारे साथ है स्वामी गसोला हम तुम्हारे साथ नमस्कार मैं हूं सुमेश झाकर और आप देख रहे हैं वीटीसी लाइव न्यूज। चुनाव का हर तरफ माहौल चल रहा है और उसी माहौल को जानने के लिए आज हम चरखी दादरी के दूसरे हलके बारडा में पहुंचे हैं और बारडा में आज हम यहां पर पहुंचे हैं जैसे ही तो हमें एक यहां पर जैसे ही हम यहां पहुंचे हैं तो ये सतनाली रोड है इसी के ऊपर ही हमें एक प्रोग्राम चलता हुआ नजर आया जिसमें काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर हैं पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पर होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से एक बार दिखा दे महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर देख लीजिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचे और मैं अगर यहाँ पर देखूं तो नॉर्मली एक किसी पुरुष नेता के पक्ष में बड़ी संख्या में महिलाओं का जमावड़ा नहीं देखा गया है लेकिन आज यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और पुरुषों की अगर संख्या देखेंगे यहाँ पर तो काफी कम है। हमने यहाँ पर आकर के पता चला कि नारी सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है और स्टेज पर हमने जब नजर दौड़ाई तो यहाँ पर सोमवीर घसोला जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बारडा से वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं तो यहाँ उन्हीं के समर्थन में ये जो तमाम जो भीड़ है ये जुटी है और आज सोमवीर घसोला इनके बीच में पहुंचे हैं अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं नारियों का सम्मान करने की यहाँ पर जो आगे भविष्य में जो उनके द्वारा बात की जा रही है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर ये जो उनके महिलाओं के लिए सम्मान के लिए जो तमाम प्रयास हैं वो किए जाएंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि पुराने टाइम में भी अगर सोमवीर घसोला के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो सोमवीर घसोला ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया गया है। यहाँ जोजू कॉलेज में जो लड़कियों के आने जाने के लिए व्यवस्था कर रखी है और भी जो दूसरी जो सामाजिक संगठन है उनके साथ ये जुड़े रहते हैं उनके कार्य यही करवाते हैं और तो शायद यही वजह है कि इसी वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं और यहां पर आप देख पाएंगे कि एक से एक जो यहां पर जो चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है महिलाएं ही महिलाएं आपको यहां पर नजर आएंगे पीछे केवल कुछ पुरुष उधर खड़े मिलेंगे और दूसरी तरफ अगर यहां देखेंगे तो यहां पर कुछ पुरुष इस तरफ भी यहां पर नजर आ रहे हैं तो महिला सम्मेलन है और महिला सम्मेलन में हम जरा महिलाओं से बात करेंगे कि क्या कुछ सपोर्ट को लेकर के वो लोग यहाँ पर पहुंचे जरा जानते हैं यहाँ पर जी नमस्कार किस सपोर्ट में पहुंचे सोमवीर घसोला की सारी होगी सोमवीर घसोला के लिए सपोर्ट करने आई हूँ और सोमवीर घसोला को वोट देके अच्छे विजय बनाएंगे और इनका मेले जिताने वाले हाँ जिताएंगे। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैंने नॉर्मली बड़े सारे कवरेज किए हैं लेकिन किसी पुरुष नेता के समर्थन में इतनी सारी महिलाएं नहीं देखी मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा पंडाल जो है महिलाओं से भरा समाज सेवी के इंसान है तो इसलिए इसके साथ सब औरतें होनी है अच्छे अच्छे काम करेंगे तो सभी साथ देंगे। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि काफी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं कारण क्या है इसका मेन कारण क्या है समाज सेवी का महिलाओं के लिए पहले भी काम करते रहे महिला एमएलए बनने से पहले इतने काम कर दिए बनने के बाद तो पता नहीं कितना अच्छा काम करेंगे क्या कर सोमवीर घसोला ने बगैर एमएलए बने हुए भी इतने काम किए हैं जो एमएलए भी नहीं कर सकता एमएलए नहीं कर सकता हमारे इतने करे हैं। एमएलए बनने के बाद क्या बताया उन्होंने कि क्या बन जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे 36 बरादरी का ध्यान रखते हैं ये अकेले किसी का नहीं रखते 36 के साथ हैं 36 बिरादरी के साथ हैं यहाँ पे ताई जी हैं ताई जी किसका समर्थन करना आगे सोमवीर का है सोमवीर का सोमवीर घसोला का हाँ की खास बात देख ली खास है आपने के इलाका है सोमवीर में के खास है सोमवीर रिश्तेदार है अच्छा उसके स्पोर्ट में आ लिया आप यहाँ पर सुन सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं युवा भी हैं जरा इनसे जरा जानेंगे जी राम राम जी क्या लग रहा है क्या माहौल बनने वाला है सोमवीर घसोला सोमवीर घसोला का तो माहौल बना हुआ जी ये तो जीतेंगे अच्छा हाँ जी इसी मिट्टी के बने हुए हैं और इसी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं इस मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं तो जीतेंगे बाहर का आदमी कब्जा कर सकता है इस धरती का आदमी यहाँ पे कब्जा नहीं कर सकता जीतेंगे
तो ये इतनी सारी महिलाएं भी काफी सारी आ गई हैं, पहले से काम कराते रहे हैं क्या महिलाओं के लिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे काम किए इन्होंने, तो महिलाओं के लिए बसें चलाई हैं, कैंप लगवाए हैं और मतलब सोलर प्लांट लगवाए हैं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं जो इन्होंने नहीं किया हो। एक काम बिना विधायक बने ही कर दिए इन्होंने, कोई मतलब विधायक नहीं बने हैं तो उसके पहले से इतने काम कर रखे हैं, तो जब इनके हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कोई रुक नहीं सकता, बाहर का आदमी ये बोल सकता मैं जीतूंगा, इस मिट्टी का आदमी हो गया ये क्यों नहीं बोल सकता कि मैं जीतूंगा? जीतेंगे, इसमें तो कोई शक है। तो इनका जो कूलर है ठंडी हवा आगे देगा? सब बिल्कुल देगा, सब ईमान के संग जीते ही है, तो इस मतलब बात है कि मिट्टी मिट्टी क्या बच्चा बच्चा बोलता है कि ये सब ईमान के संग जीते हैं और इस मिट्टी के लिए लड़ेंगे और इस मिट्टी से जीतेंगे, इस मिट्टी में जीतेंगे जी, इस मिट्टी के लिए काम किया है। ताई से भी जान लेते हैं, ताई किसा छोरा है यो सोमवीर का सोला? बढ़िया सा है, सही बढ़िया काम करा होगा, बढ़िया करवा होगा। अच्छा तो ताई किम कब है? ताई आप भी बोलो था के कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँ सुबह तक खूब बढ़िया काम करेगा, अच्छा समाज ने संभालेगा, अच्छी न बात संभालेगा। तो आज आप यहाँ पे पहुँचे हो, काफी बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे हो, तो इनसे क्या उम्मीद आप आगे के लिए लगा रहे हो कि महिलाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अभी की हालत देखे तो महिलाओं की सुरक्षा तो बड़ी कमजोर हो रखी है। खूब अच्छी करेगा, महिला के साथ खूब अच्छी करेगा, जो हमारी समस्या बैठेगा। सुन सकते हैं कि महिलाओं को काफी यकीन है और महिला सम्मेलन में ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इधर से भी जरा जरा जानने का प्रयास करेंगे। जी जी राम राम जी, के कुछ करने वाले हो आज यहाँ पर पहुँचे हो सोमवीर घसोला के समर्थन में? जिताओगे इनको? पक्की बात है, पक्की बात है, जिताएंगे। और दूसरी तरफ दिखा दें कि यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाएं जरा कि यहाँ मंच के ऊपर से जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर अपना अपना संबोधन बता रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो सोमवीर घसोला के लिए जो हैं यहाँ पर वोट की अपील कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो बीडीसी के चेयरमैन शायद मुझे दिखाई दे रहे हैं और पार्षद जो है जिला पार्षद हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जो अभी मैं जैसे सुन पा रहा था थोड़ी देर पहले तक ही कि इनेलो को छोड़ करके यहाँ पर सोमवीर घसोला के समर्थन में भी जो इनेलो के जो नेता हैं वो आए हैं और मंच से अभी संबोधित भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखा दे जरा कि कितने सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और सोमवीर घसोला का समर्थन कर रही हैं। कुछ पुरुष भी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं का जमावड़ा मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आधी आबादी है महिलाएं और आधी आबादी जिसके साथ हो जाती है तो उसको पीछे रखना शायद बड़ा मुश्किल होगा और शायद यही हालात आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने इस बार इसको मिटाना है, दो आदमी ऐसे ऐसे बाहर से आ गए जिन्होंने हमारे गांव का नहीं पता कहाँ हमारे गांव है और कहाँ कोई गांव जिसको नहीं पता, तो आदमी क्या भला करेगा? एक भाई के साथ जो हमें कांग्रेस में 5 साल से पावड़ा में एक आम जनता की मुहिम बनी हुई थी कि हमें हमारे हलके का विधायक चाहिए, हमारे हलके का विधायक चाहिए, और हमारे कांग्रेस के साथी जिन 50-60 ने फॉर्म भर रखा था सब ये कहते थे कि हमारा विधायक हलके का हो बाहर का ना हो। लेकिन बुजुर्गो साथियों जब वो टिकट की बारी आई और उसको टिकट दे दी तो भाई सारे इस तरह भाज लिए उसके ऊपर चढ़ की अभी ऊपर गया। अरे मेरे भाई जो आप लड़ाई लड़ रहे थे पहाड़ा के मान सम्मान के सवाल मान की वो लड़ाई आप लोगों की कहाँ गई? लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात बताया चाहता हूँ, आप हमारे जो अवसरवादी नेता हैं इनको भी आपने देखा पे जो आदमी कल तक पहाड़ा की बात करते थे आज एक भारी व्यक्ति के कारण उसके पीछे हुए और पीछे हुए उन भाइयों में हमारे मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ उसके सामने कैंडिडेट हूँ और वो क्या कह रहा है कांग्रेस का उम्मीदवार सोमवीर मुंदला, सोमवीर मुंदला उसको जिसको ये नहीं पता उसके सामने चुनाव कौन लड़ रहा है वो कहाँ का है वो आपका भला कर सकता है? नहीं।
अभी हमारे साथ में यहाँ पर सोमवीर घसोला हैं और सोमवीर घसोला से ही डायरेक्ट हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आज ये नारी सम्मेलन में यहाँ पर कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं का बड़ा जो सम्मान जो है वो सोमवीर घसोला को भी मिल रहा है। और सोमवीर घसोला हमारे साथ है, जरा जानते हैं सोमवीर जी, बड़ी संख्या में इतनी सारी लेडीज जो है आज आपके कार्यक्रम में यहाँ पर देखने को मिली हैं, क्या माने, क्या इतना बड़ा प्यार जो है वो महिलाओं से आपको क्यों मिल रहा है? मैंने महिलाओं के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए काम किया है पूरे हलके में, चाहे वो कॉलेज का काम हो, चाहे कैंप का काम हो, चाहे और किसी तरह की मदद हो जी, जो अपना चाहे गुरुकुल का काम हो, कन्या गुरुकुल का काम हो, चाहे बाल डाको लड़कियों का कॉलेज है वहाँ का काम हो, मैंने हर जगह बढ़ चढ़ के लिए काम किया है। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोग्राम खुद बनाया है जी, जो हमारी जी, मैं भी देख रहा था यहाँ पे किसान युवा क्लब के द्वारा कार्यक्रम में आपको बुलाया गया है और इतनी सारी महिलाएं केवल आपके नाम से आई हैं, तो मैं तो बड़ा ही हैरान हो गया था कि इतनी महिलाएं कैसे, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग मंचों पे देखा है जहाँ पे हर जगह आप पहुँचते हो, महिलाओं के बीच इतना उत्साह, तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं आपको जीत की तरफ लेकर के जा रहा है, क्योंकि आदिआबादी तो यही है। आदिआबादी एक बात हूँ आपने बताऊँ, आदि से भी हम तो कहने के लिए आबादी आदिआबादी है, लेकिन यहाँ पे समझो 100% आबादी यही है, क्योंकि घर इनके बगैर चलते आएगा किसी का, बिल्कुल बिल्कुल, तो 100% ही मानो, आदि मत मानो जी, बिल्कुल आदि तो आप गिनती मान सकते हो, आदि औरत आदि आदमी, ठीक है। लेकिन मन से भी कहा कि जो प्रचार ये कर सकते हैं शायद वो उतना मीडिया नहीं कर पाए, ऐसा क्या कारण आपको लग रहा है? ये सच्चाई है, आप बताओ दुनिया में कहीं पर भी एक कोई बात औरत निकाल देती है और वो बात फैलती है आज कितने से जी, जब तक मीडिया उस बात ने ठा होगा नहीं थी बार में, तो उनके आगे सब गजा लेगी बात है। चलो ठीक है, अच्छा एक आपसे जानना चाहूँगा, 60 टिकटार्थी यहाँ से आप लोग मैदान में थे, उन 60 में आप भी थे, टिकट कट गई, मैं देखता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आप बड़े दिखाई देते थे, कांग्रेस के बड़े समर्पित सिपाही दिखाई देते थे, लेकिन ऐसा हो गया उसके बाद निर्दलीय आप खड़े हो गए, कांग्रेस के प्रति वो समर्पण नहीं रहा, कारण क्या रहा ऐसा? मैं ना कांग्रेस के प्रति मेरा आज भी समर्पण है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, समर्पण की जहाँ तक आप बात करते हैं, और जो जहाँ तक चुनाव की बात है, हमने कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं को ये कहा था क्या बाड़ा हल्के के किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आप उम्मीदवार बना दीजिए, 2 लाख वोट है बाड़ा में, आप किसी भी बाड़ा हल्के के वोटर को पकड़े रह दो, उसको उम्मीदवार बना दो, हम उसको जिताने का काम करेंगे, लेकिन बाहर का सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाहर के लोगों से हमारी पब्लिक जो हमारे बाड़ा क्षेत्र के लोग हैं वो परेशान हैं, जिनको ये बाहर का ही बनता है, तो जिनको ये नहीं पता हमारे बाड़ा हल्के में कितने गाँव हैं, कौन सा गांव कहां पर है जी, वो आदमी बाड़ा का भला कर सकते हैं। आपने तो मन से ये भी कह दिया कि एक गांव से दूसरे गांव चले जाएं तो शायद आप चुनाव छोड़ दोगे। बिल्कुल छोड़ दूंगा, कंफर्म है? कंफर्म है, और आपको पूरा यकीन है कि वो नहीं जा पाएंगे? जाएगा कैसे, पता लगा आज तक गया ही नहीं जी, जो आदमी 70 साल का हो गया और आज तक किसी गाँव में, जब एक बार इससे बुरी बात क्या होगी, मैं कल मेरे प्रोग्राम कारी में थे जी, और इधर नजदीक के गाँव में मैंने ये पूछा भाई अपने सगागरवास कितनी दूर है, 10-15 किलोमीटर, आज से पहले कभी आया था जी, कभी किसी सुख दुख में नहीं मिले, कभी नहीं आया नहीं। तो जो आदमी अपने सराउंडिंग गांव में नहीं गया नहीं। तो आप क्या मानते हो हल्के में जाएगा वो आदमी, वो ढूंढ लेगा। चलिए वो तो बात अलग हो गई, अब बात करें यहाँ पे आपके चुनाव की, तो चुनाव में जनसंपर्क अभियान के दौरान में आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि यहां तो मैंने समर्थन देख लिया, महिलाओं का तो जबरदस्त मिल गया, गांव में कैसा मिल रहा है? गांव में भी आप चल के देखो कितना भारी समर्थन मिल रहा है जी, बहुत भारी समर्थन मिल रहा है, हर गाँव में जाते हैं जी, और उन लोगों का उत्साह है, उत्साह उनका देखो, एक तो ये है कि मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, समाज के काम किए जी, एक बार दूसरा आज हर आदमी हर इंसान बाड़ा का हर मतदाता ये चाहता है कि हम बाड़ा की जो मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई जो मैंने शुरू की है, मेरा तो चेहरा चेहरा है इलेक्शन, तो बाड़ा की पब्लिक लड़ रही है, जनता जनता के लिए आपने योजनाएं बना दी हैं, क्या कुछ बना दिया है ताकि ये जनता जो है उन योजनाओं को देख करके ही, हमने वो बड़ा ना हमने वो कम शब्दों में आप थोड़ा बता दें, देखो बहुत काफी लंबी चौड़ी है, उसमें किसानों के लिए भी है, बहन बेटियों के लिए भी है, और चिकित्सा के लिए भी है, शिक्षा के लिए भी है, खेल के लिए भी है, और हर तरह की है, ग्रामीण विकास के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए, काफी सारी है, हमने सब कुछ बना रखा, पूरा चार्ट है, और वो हम करके दिखाएंगे जी,
ठीक है ना, अगर सरकार ने हमें चुन दे, ये लोग हमें चुन देंगे ना तो सरकार काम नहीं करेगी, तो हम बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों से करवाएंगे। जी पहले भी काम कराए, मैं आप लोगों को बता दूं काफी सारे स्टेजों पर रह करके काफी सारे पहले भी काम कराए हैं, और यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं से जरा हम एक एक करके जानेंगे। जी क्या यकीन हो रहा है भाई साहब के ऊपर? भाई साहब तो ये मानो कीजिए एक किस्म के अवतार, कृष्ण भगवान उतरे से समाज के लिए, ठीक है। और जो इनके साथ आंदोलन, किसान आंदोलन में जो बीजेपी ने कराया है, इतना कोई नहीं कर सका बुरा काम, जो सब ने देख रहा क्या बताने की जरूरत नहीं, खिलाड़ियों के साथ लगा लो। अब मांग मांगते हैं तो उसके लिए मार मिलती है बदले में, तो इस पार्टी खूनी पार्टी का लो, इसने 750 लाश भी छुआ दी और मांग करने में 13 महीने लगा दिए, फिर भी एक मिनट दो मन की बात बोलता, वो एक दूसरों की मन की एक नहीं सुनी उसने, उसको क्या प्रधानमंत्री बनाने के लायक था है? ये कैंडिडेटों की वजह से रसुकम वोट ले लेके वहाँ पर एमपी एमएलए उनको भेज दिया, और इसने बहुमत मिल गया, ये प्रधानमंत्री बन गया। बाकी इनका काम कहीं से भी लगा, आंगनवाड़ी वर्कर, फोर्थ क्लास चौकीदार, नंबरदार, किस वर्ग का आदमी नहीं पिटा। ये जज्जर है इसमें, ये धरने पर पेरेंट्स बैठे थे, डॉक्टरों को 40 लाख फीस दे रहे हैं, और ये हमारे टीचर नहीं है, उनको ठा के चद्दर में डाल डाल के उठा उठा के धरने पर से जेल में डाल दिया। खाद लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर जमींदार पीटते हैं, कहाँ नहीं पीटे इन्होंने। तो अब की बार निर्दलीय को बना करके अपनी तरफ से एक नुमाइंदा भेज रहे हैं। निर्दलीय मानो चाहे कुछ मानो, एक सामाजिक प्राणी, समाज में जो सोशल वर्कर काम कर रहा है, जो बाहर का आदमी तीन बार वहाँ पर कहने, बच्चे बोलते हैं ना फ्यूज पटाखा ये इधर फेंक दिया, क्या यही जगह मिलती है सभी को, कोई सिरसा से आ गया उस फ्यूज पटाखा को नहीं पटने दे, नहीं फ्यूज हो क्या रहा है पीछे से तीन बार है, तो यहाँ से भी फ्यूज ही होगा। वो पांचवी फैल मानो उसको, 6 बार इलेक्शन में 1 बार जीत्या है, वो पहली पास अभी कैखा गड़ा था कोनिया अंता जी, उसने राजनीति के क्यों वो गेंडा की तरह खा लिया और घुरे हम बढ़ गया, उसका तो ये मकसद है। तो उस आदमी जो अपना हल्का नाम कर नहीं कर सके, वो दूसरा का क्या करेगा, ये विचारणीय विषय है। ये बिल्कुल विचारणीय विषय है, और बाड़ा की जो जनता है, महिलाएं जो हैं उनका समर्थन मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दीजिए एक बार उस साइड में कि कितना जबरदस्त है, और तमाम जो महिलाएं हैं वो सोमवीर घसोला को घेर के खड़ी हैं। जी ये देखो, एक जो ओलंपिक में टॉपर, मैं आवासिंग कैप्टन बॉक्सर की बाणजी हूँ जी, उम्रवास से है, जिसने ये जनक पैदा हुआ था, उम्रवास आवासिंग कैप्टन बॉक्सर, एशिया का सबसे पहला बॉक्सर प्लेयर था, मैं उसकी बाणजी से। जब हमें बहुत दर्द होता जो ओलंपिक खिलाड़ी लड़कियों, मेरे पड़ोस के गांव की लड़कियां, उनको घसीट घसीट के ये सम्मान दे रहा मोदी, उनको ये सम्मानित कर रहा है, क्या एक इंसानियत, उसका सब कुछ खत्म हुआ। 2 मिनट बात तो कर सका था, क्या जरूरत थी उन लड़कियों की शिकायत सुन लेता, उनके साथ गलत हो, क्या बोलने का अधिकार नहीं, आम पब्लिक का क्या होगा जब वर्ल्ड फेमस लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा, तो और उस घिनौने और अत्याचारी को अपने पास बैठा रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, क्या सबका जमीर मर गया? उस पार्टी में कोई बंदे नहीं थे, पर ये बहुमत के साथ उनको उखाड़ फेंकने का पूरा इरादा कर, पूरा इरादा जी, कति आत्मा रोई थी उस लड़कियां देखे, आंसू पूछे चाचा मेरे साथ नौकरी कर रखी से। बिल्कुल, और यहाँ पर काफी और महिलाएं भी हैं जरा, हाँ खून क्या शुरू आए से जून, बिल्कुल और महिलाएं जरा उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि उनका क्या कहना है। जी नमस्कार, जी नमस्कार, क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ सोमवीर को सोलह का जी, हाँ जो इन्होंने वायदे किए हैं यहाँ मंच से भी, अभी इन्होंने काफी सारी चीजें बताई, उनके ऊपर यकीन होता है? होता है, यकीन होता है। जो पहले वाले जो भी यहाँ पे रहे, चाहे पिछली बार नैना चौटाला थी जननायक जनता पार्टी से, उन्होंने काम नहीं करा पाए, कोई काम नहीं, कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने 5 साल, ठीक है। और जो भाजपा बड़े दावे करती है, सबका साथ सबका विकास समान विकास, वो झूठे हैं उनके वादे सारे झूठे हैं, तो अब की बार ये करेंगे, अब की बार करेंगे जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं महिलाओं से हम बात कर रहे हैं जी, क्या क्या आपको क्या लग रहा है जी? एक मिनट आपकी भी सुनूंगा, एक मिनट सुनेंगे। पूर्ण बहुमत हमारे यहाँ पे, पूर्ण बहुमत जी, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे जी, आपको क्या लग रहा है? सोमवीर घसोला ही जीतेंगे जी। और कितनी वोट जो है उनको दिलाने वाले आप लोग? हम बाड़ा हल्के के कम से कम 70-80% वोट दिलाने वाले। अच्छा, इतना विश्वास क्यों है आप लोगों को कि सोमवीर घसोला ये सारे काम कर देंगे? क्योंकि समाज सेवी आदमी है, लड़कियों की समाज सेवा करते हैं, लड़कियों के लिए सेवा कर रहे हैं, बसेज लगा रखे हैं हर चीज की, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, है ना, तो महिलाओं का साथ सोमवीर घसोला के साथ जी, महिलाओं का साथ सोमवीर घसोला के साथ जी, कुछ सोमवीर की मिसेज आई है जी, बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, कैसे हैं?
बढ़िया जी, चुनावी दौर चल रहा है, करोड़ बढ़िया जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या लग रहा है अब जो तमाम जो महिलाओं के बीच में पहुंच लग रहा है, सब हमारे साथ हैं, हल्का बाड़ा के पूरा हमारे साथ है। तो सोमवीर जी तो अब हर रोज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, घर पे भी बातचीत होती होगी, क्या कुछ पूरा क्राइटेरिया लेकर के चल रहे हो, क्योंकि घर पे तो सारी चीजें शायद बताते होंगे, जो करनी है वो भी बताते होंगे, शायद जो लोगों के बीच में नहीं बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं इतना बताने का। अच्छा। हाँ जी, तो महिलाओं का जो आज आप लोग साथ में बहुत अच्छा समर्थन है, सब महिला हमारे साथ है और सबका बहुत अच्छा माहौल है जी, महिलाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छा साथ मिल रहा है जी, अच्छा साथ दे रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा साथ। युवाओं का कैसा रहेगा यहाँ पर? युवाओं का भी बहुत अच्छा साथ है, सब आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो जैसे मैं देख पा रहा था कि और क्योंकि अलग अलग कॉलेजों में बसेज लगा रखी हैं, तो उन बसेज का कुछ फायदा मिल रहा है लड़कियों? बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो शायद इसीलिए जो इतनी भीड़ आई है यहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि किसी पुरुष नेता के लिए महिलाएं इतनी संख्या में शायद नहीं जुड़ती, तो इन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम किए, तो महिलाएं तो जुड़ने वाजिब है जी। हाँ जी, अच्छे वोटों से जिताने, बहुत अच्छे वोटों से जी, बढ़िया वोट दिलाने वाले। हाँ बताओ, बढ़िया वोट दिलाएंगे? बढ़िया, खूब बढ़िया दिलाऊंगा, बहुत ज्यादा। और बताओ, हर जगह पहुंचेंगे उनके लिए? हाँ, हर जगह, क्योंकि मंच से भी कहा गया है कि गांव-गांव पहुंचे। वैसे तो काकड़ोली के गुड़गांव रह रहे हैं, लेकिन पूरी सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे मेरे पार्टी बड़ी तगड़ी है लुगाइयों की जी। हाँ, हम तो पूरी पार्टी को इकट्ठा करने गांव-गांव घूम रहे। मैं एक चीज और आप लोगों से पूछूंगा कि जो दूसरे वाले जो कैंडिडेट हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, जननायक जनता पार्टी से हैं, भाजपा से हैं, उनको कैसे देखते हो आप लोग? हम हाँ। आप देख ही रहे हो भाई, लड़कियों के बारे में कैसे क्या है माहौल है। अब सोमवीर गसोला है, इसने पहले ही इतना वो कर रखा है, लड़कियों के बारे में बस लगा दी, कितनी सुविधा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई वो नारी शक्ति के लिए देख रहे हैं, लड़कियों के लिए देख रहे हैं, और इससे ज्यादा हम क्या मानेंगे। भाजपा के लोग नहीं देख रहे, वो तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बचाओ करने का नारा लग रहा है। दल बदलू है वो, कांग्रेस वाले और भाजपा वाले दल बदलू है। अच्छा। और अब हमने मिल गई हमारे स्थान पर वोट गिरने की जगह, हमें वोट गिरने की जगह नहीं थी, गेट डालो या ना डालो हमारे पास कोई थी नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे सोमवीर गसोला को पूरे बहुमत के साथ जिता के ले जाएंगे, हम इसके साथ हैं, मातृ शक्ति सब साथ है इसके। इन्होंने बहुत न बनने, एमएलए न बनने के बाद भी इन्होंने बहुत कार्य किए हैं, कहीं कहीं पर सुन सकते हैं आपकी एमएलए नहीं है उसके बावजूद कार्य किए हैं। हाँ। तो अब तो एमएलए बना करके विधानसभा भेजने की तैयारी इस पूरी मातृ शक्ति ने कर लिया जी, एमएलए बना करके विधानसभा भेज दोगे? हाँ जी बिल्कुल भेजेंगे, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, राजनीति में आने से पहले ही बहुत ज्यादा कार्य कर रखे हैं इन्होंने तो बहन बेटियों के लिए जी, और आगे तो और भी ज्यादा करेंगे जी, आगे और भी ज्यादा करेंगे, से इनके साथ हैं, तन मन धन से। देखिए इन्होंने बता दिया कि साथ हैं, गांव गांव जाकर के वोट मांगने वाले हैं, बिल्कुल मांगेंगे जी, मांग रहे हैं बिल्कुल, पहले से मांग रहे हैं जी। और यहां पर मुझे है ना कांता जी दिखाई दे रही हैं, इनेलो में हमें ज्यादातर दिखाई देती थी कांता जी, आज सोमवीर जी के समर्थन में थोड़ा सा अगर आप खड़े हो जाए तो हम आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आज सोमवीर गसोला जी के समर्थन में आप उनके मंच पर दिखाई दी हैं, क्या कारण हो गया? INLD में आप थी? INLD में थी मैं, और काफी 40 साल तक मैंने हमारी 40 आपकी दादी है, दादी हमारी, चलो और भी अच्छी बात, 40 साल तक मैंने विभिन्न पदों पर रही, 40 साल तक लगातार इंडियन नेशनल लोकदल में विभिन्न पदों पर रही। अब आज भी मैं जिला अध्यक्ष दादरी का पद अपना छोड़ के इस्तीफा दे के जी, और मैं सोमवीर जी के साथ आई। इतने सालों तक आप उसमें रहे हो, अब क्या ऐसा आपने सोमवीर गसोला में देख लिया कि वहाँ से मन भर गया और अब इनके साथ आप आ गए? तो ऐसी बात है, मन नहीं भरने वाली बात है, ऐसी कुछ नहीं है कि मन भर गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ विशेष भी होता है, कुछ समय में नीतियां जो बन जाती हैं पार्टियों की वो शायद गलत हो जाती हैं, कहना चाहे। और कई बार जो है ना, हम 20 साल से हार में ही वोट डालते आ रहे हैं, 20 साल लगातार हो गए, बहुत बुरा दौर भी हमने देखा, अच्छे दौर में भी रहे, मगर अब बुरे दौर के भी साथी रहे।
मत कई बार हो जाता है बस, मेरा ना अभी ज्यादा काम करने की उम्र भी नहीं रही, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसलिए महिलाएं तो काफी साथ हैं आपके, आज मैं अभी भी देख रहा हूँ काफी सारी महिलाएं आपके साथ ही बैठी हैं। सब इसकी जानकार है, हम ये जानकार है, ये मेरी रिश्तेदार है, रिश्तेदार हमारी, मतलब बहुत सारे वोट तो अभी भी आप रखते हो। हाँ, सोमवीर जी के साथ हमारी जितनी रिलेशन रिश्तेदार, ये बहन भी हमारा डिपार्टमेंट भी, रिश्तेदारी भी सब है ना, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोमवीर जी सामाजिक कार्यकर्ता है। मैंने इसलिए, मेरी भी एक एनजीओ है महिला कल्याण जागृति समिति, मैंने भी बड़ी आंखें की बनवाई है, कैंप लगाए हैं फरी में, कोई पैसा ये भी नहीं लेते, हम पास से खर्चा करके अपना काम करते हैं, एनजीओ है मेरी। आप पूर्ण मतलब बहुमत से इनको, मतलब पूरी बढ़िया वोटों से इनको जिता करके विधानसभा भेजोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इरादा यही है कि और कोई ना आए विधानसभा में, बाड़ा से हमारा सोमवीर घसोला जीत के जाए जी। क्योंकि एक तो हमारे ना बाड़ा हल्का पर कहाँ कहाँ से उठा के भेज दिया, ये कोई थोपने वाली बात है, हमारे के यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? बिल्कुल, बाड़ा हल्के कांग्रेस के पास भी मेरे ख्याल से 60 कैंडिडेट थे, उनमें से नहीं चुना। हाँ, उनमें से नहीं चुना, वहाँ से दूसरे सोमवीर को भेज दिया। मैं तो कहूँगी की सोमवीर घसोला विधानसभा पहुँचा के ही दम लेंगे, विधानसभा पहुँचा के दम लेंगे, ये कहना है यहाँ पर आज इस महिला सम्मेलन में पहुँची महिलाओं का, और दूसरी पार्टियों को भी छोड़ करके जो महिलाएं आज सोमवीर घसोला के समर्थन में आई हैं, उसके बाद सोमवीर घसोला का जो समर्थन है वो कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं 5 तारीख को किस प्रकार से वोटिंग होगी, और वो जो वोट होगा तो उसके बाद किस प्रकार का रिजल्ट जो है 8 तारीख को देखने को मिलेगा। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज को, आगे भी अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मैं सुमेश झा का VTS लाइव न्यूज के लिए।